नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे नए YouTube चैनल अनपढ़ दोस्त में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी के बारे में जो कि आज पूरे भारत में एक नया ब्रांड बन के उभरा है। ऐसा ब्रांड जिसने आज पूरी मार्केटिंग की पूरी स्ट्रेटजी को पूरी तरह से बदल के रख दिया है, जिन पे कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और बहुत सारी मैनेजमेंट यूनिवर्सिटियाँ जिसके बिजनेस मॉडल को जानना चाहती है, समझना चाहती है, देखना चाहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पतंजलि की, पतंजलि आयुर्वेद, जो कि आज एक बहुत बड़ा ब्रांड बन के पूरे विश्व के सामने आ चुका है। 2006 में जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, फाइनेंशियल ईयर 2009-2010 में जो कंपनी ओपन मार्केट में आई, और आज फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में जिस कंपनी का सालाना टर्नओवर 10,561 करोड़ रुपए है, जिसको जो आज एफएमसीजी मार्केट की दूसरे नंबर की भारत की कंपनी बन चुकी है। तो दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं, आज से कुछ समय पहले हम भारतवासियों को ब्रांड की इतनी लत लग गई थी कि स्वदेशी की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता था, लेकिन जिस तरीके से पतंजलि ने इस मुद्दे को उठाया, हम सबका ध्यान पतंजलि आयुर्वेद की तरफ गया। यदि बात करें पतंजलि आयुर्वेद की, तो इसकी यूएसपी है नेचुरल प्रोडक्ट। पतंजलि के हर प्रोडक्ट को नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं उस पर कुछ ना कुछ कंटेंट रहता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हुए। और यह पतंजलि का नेचुरल प्रोडक्ट का ही कमाल है, आज कोलगेट को सिबा का वेद शक्ति के नाम से अपना एक टूथपेस्ट का नया प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ रहा है। यह सब नेचुरल प्रोडक्ट का ही कमाल है। पतंजलि के जहां तक नेचुरल प्रोडक्ट की बात करें, तो पतंजलि ने यहां तक कि अभी पतंजलि ने घोषणा करी कि वह गारमेंट्स में और फुटवेयर के उद्योग में भी पतंजलि आ रही है। तो पतंजलि के गारमेंट्स में भी जो कॉटन है वो नेचुरल कॉटन्स और नेचुरल डाइज का यूज वहाँ पे हो रहा है। तो पतंजलि का जो यूएसपी रहा वह रहा नेचुरल प्रोडक्ट। यदि बात करें इस कंपनी के लीडरशिप के बारे में, तो इस कंपनी के 96% शेयर जो है आचार्य बालकृष्ण के पास है। किंतु यदि यहाँ के लीडरशिप के बारे में बात करें, तो यहाँ पे डिसीजन टेकिंग केवल दो ही लोग लेते हैं, पहले बाबा रामदेव और दूसरे आचार्य बालकृष्ण। और यहाँ तक कहा जाता है कि इन निर्णयों में अधिकतर जो निर्णय होता है वो आचार्य बालकृष्ण की बातों को ज़्यादा सुना जाता है, ऐसा पतंजलि के बारे में कहा जाता है। यदि बात करें इनकी और विशेषताओं की, तो सबसे पहली चीज जो सामने आती है लो प्राइस मॉडल। पतंजलि की टैगलाइन है सबसे सस्ते सबसे अच्छे, यही पतंजलि का लो कॉस्ट मॉडल है। लो कॉस्ट मॉडल की वजह से पतंजलि आज इतना फेमस हो रहा है, इसी की वजह से पतंजलि का सालाना टर्नओवर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले साल जो 5000 करोड़ था वह 10,500 करोड़ से भी ज़्यादा इस साल हुआ है। इनका एक एग्जाम्पल देखें तो जैसे आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक अगर आप देखते हैं तो उसमें आयोडीन कंटेंट हर नमक में सेम रहता है, मगर आप देखिएगा अलग अलग कंपनियां मार्केट में, अलग अलग कंपनियां हैं जहां उसकी कीमत डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के उस एक आयोडीन युक्त नमक की, एक किलो नमक की कीमत 32 रुपये, 30 रुपये, 28 रुपये तक है। वहीं पतंजलि के द्वारा इस नमक की कीमत केवल 12 रुपये रखी गई है। तो कहीं ना कहीं इनके लो प्राइस मॉडल को दिखाता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात पतंजलि की है, इन्होंने सिंगल ब्रांड स्ट्रेटजी को अपनाया। सिंगल ब्रांड स्ट्रेटजी मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो है पतंजलि के नाम से ही आया, जैसे पतंजलि केश कांति, पतंजलि दंत कांति, केवल जो सिंगल ब्रांड स्ट्रेटजी को इन लोगों ने फॉलो किया। जैसे इसका एडवांटेज इन्होंने कैसे मिला, जैसे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के आप प्रोडक्ट को देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर का डव हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है, लाइफ बॉय हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है, लक्स हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है, मगर अगर
और जब भी इनको अपने इन प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है तो इनको अलग अलग ऐड दिखाने पड़ते हैं। जबकि पतंजलि ने सिंगल ब्रांड स्ट्रेटेजी को अपनाया, पतंजलि केश कांति आया, पतंजलि दंत कांति आया, पतंजलि हर्बल सोप आए, हर चीज में कहीं ना कहीं उन्होंने जो सिंगल ब्रांड स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, जिसका इन्हें कहीं ना कहीं पर एडवांटेज मिला। क्योंकि इसका फायदा ऐसे हुआ, जैसे सपोज आपने कोई उदाहरण ले लीजिए, आपने कोई पतंजलि का कोई प्रोडक्ट यूज किया, जब आपने उस प्रोडक्ट को यूज किया तो आपके दिमाग में ब्रांड वैल्यू आ गई है पतंजलि, तो आप अगली बार किसी और दूसरे, सपोज आपको आपने सोप यूज किया, सपोज आप पेस्ट यूज करना चाहते हैं तो भी आपके दिमाग में रहेगा पतंजलि का सोप मैंने यूज किया था, आज मैं पतंजलि का पेस्ट यूज करता हूँ। तो कहीं ना कहीं सिंगल ब्रांड स्ट्रेटेजी का पतंजलि को बहुत भयंकर फायदा रहा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो रही पतंजलि का, इसने स्वदेशी की भावना से लोगों को जोड़ा, राष्ट्रवाद की भावना से इनको लोगों को जोड़ा। लोग पतंजलि के प्रोडक्ट की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हुए क्योंकि पतंजलि ही पहला ऐसा ब्रांड है जिसने अपने प्रोडक्ट में लिखा मेड इन भारत। कहीं ना कहीं इसने एक राष्ट्रवाद की भावना सब लोगों के बीच लाई, स्वदेशी की भावना सब लोगों के बीच लाई, क्योंकि इन्होंने एग्जाम्पल दिया 1600 में एक विदेशी कंपनी भारत में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, कारण हमें 350 से साल अधिक गुलाम रहना पड़ा। तो पतंजलि ने राष्ट्रवाद की भावना, स्वदेशी की भावना को विकसित किया, जो कहीं ना कहीं इनका जो बिजनेस जो ग्रोथ किया, जो पतंजलि का आज ब्रांड नेम बना, उसमें इस राष्ट्रवाद की भावना, इस स्वदेशी की भावना का बहुत बड़ा योगदान है। वैरायटी के बारे में कहा जाता है, वैरायटी इज द की ऑफ सक्सेस। आज पतंजलि के मार्केट में 1000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। यदि आप देखें तो अकेले ही टूथपेस्ट में ही, दंत कांति में ही इनके 3 या 4 फ्लेवर मार्केट में हैं। तो कहीं ना कहीं इस वैरायटी के कारण कस्टमर अट्रैक्ट हुआ। जैसे आप सोप देख लीजिए, सोप में भी इनके डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है, तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के कारण कुछ प्रोडक्ट कुछ कस्टमर को सूट करते हैं, कुछ प्रोडक्ट कुछ कस्टमर को सूट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पतंजलि ब्रांड नेम की वजह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट में आए। वैरायटी है पतंजलि के प्रोडक्ट में, जैसे कि आप देख लीजिए साबुन में ही इनके डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग नाम से हैं, सौंदर्य, क्रांति, हल्दी, नीम, गौचंदन, इस टाइप से इन्होंने जो है अपने प्रोडक्ट में वैरायटी लाई। और इसी यही वैरायटी के साथ साथ इन्होंने नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते रहे। आज आप देख सकते हैं पतंजलि आटे से लेकर, चावल से लेकर, दाल से लेकर, टूथपेस्ट से लेकर, साबुन, शैम्पू, तेल, नमक, सब चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। पर प्रमोशन, पतंजलि ने जिस टाइप से अपने ब्रांड को प्रमोट किया, बाबा रामदेव की फेस वैल्यू को आगे किया, जिस तरीके से उन्होंने क्लियर प्रमोशन किया, अगर आप देखते होंगे बाबा रामदेव जी कभी भी किसी समारोह में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी मीडिया से जब भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चाहे या अनचाहे ढंग से वो पतंजलि का प्रचार कर लेते हैं। और ऐसा प्रचार केवल पतंजलि ही कर सकता है, बाबा रामदेव इस तरीके का एक चतुर प्रचार कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बढ़िया, जो स्वामी रामदेव जी की फेस वैल्यू का यूज किया, स्वामी रामदेव जिस तरीके से अपने कंपटीटर्स को बोलते हैं, जिस तरीके से अपने कंपटीटर्स को टारगेट करते हैं, ये आप सुनिए। ये आने वाले वर्षों तक, माने एक वर्ष में नेस्ले उसका पंछी उड़ जाएगा, पंछी है ना उसका, नेस्ले का पंछी उड़ने वाला है, कोलगेट का गेट बंद होने वाला है, और पीएनजी का जो है पेंटिन भी, उसकी भी पेंट खराब होने वाली है। ये तीन कंपनियों का तो शीर्षासन बहुत जल्दी हो जाएगा, यूनिलीवर का लीवर बैठने में दो एक साल का समय लगेगा। जब स्वामी रामदेव जी अपने कंपटीटर्स को इस तरीके से बोलते हैं तो कहीं ना कहीं इनके जो एम्प्लॉय हैं उनके अंदर एक अच्छी भावना जाती है, लोगों के बीच एक अच्छी भावना जाती है, जो कहीं ना कहीं एक पतंजलि को ब्रांड प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात और अंतिम बात, पतंजलि का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यहाँ पे कहा जाता है यहाँ पे प्रोडक्ट की डिलीवरी में बहुत कम समय लगता है। आज 50,000 से भी ज़्यादा पतंजलि के मेगा स्टोर्स पूरे भारत में फैले हुए हैं। आज तो इनके प्रोडक्ट भारत में ही नहीं, अभी तो यूरोप और यूएसए देशों में भी मिल रहे हैं, जो कि एक भारतीय होने के नाते हम सब के लिए बहुत खुशी की खबर है। पतंजलि की स्वयं की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जहाँ से इनका ट्रांसपोर्ट में बहुत ही कम टाइम लगता है। अभी हालिया कुछ समय पहले एक सर्वे किया था
जिस सर्वे में पाया कि पतंजलि का ऑन टाइम डिलीवरी प्रोडक्ट ऑन टाइम प्रोडक्ट की ऑन टाइम डिलीवरी टाइम सबसे कम है, जो कहीं ना कहीं इसका जो टर्नओवर जो बढ़ रहा है उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक स्वदेशी कंपनी होने के नाते विदेशी कंपनियों को धूल चटा रही है। हमारी मेरी और संपूर्ण भारतवासियों की तरफ से अधिक शुभकामनाएं। और अंत में मैं एक बात ही कहूंगा, यू मे लव हिम, यू मे हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। आप उन्हें प्यार कर सकते हैं, आप उनसे घृणा कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यह कहानी आज के दौर में पतंजलि पर सटीक बैठती है। धन्यवाद दोस्तों, हमें बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, और कुछ सुझाव आप जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स पर, अपने सुझावों को दीजिए, हम उन सुझावों को जरूर स्वीकार करेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।